हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज बज रहे हैं शाम के 8 और ये अभी आए हैं। सुबह खाना खाने ही आए थे और ये ले आ। क्या वो डार्क हो गया है क्यों? अरे अभी मेरे लिए एक बोतल छोड़ दो यार। तीन बोतल रखा है। तीन है? कहाँ तीन है, एक दो। वो भी तो है एक। कहाँ एक है? नहीं रहने मेरे। गाइस आज ये रूम मेरे बच्चे के रूम से इतना मतलब फालतू सामान निकला है, सफाई किए हैं तो ये देखिए। आज ये खाना खाने ही नहीं आते। इनका पूरा खाना बचा हुआ है, दाल चावल आलू बैंगन की सब्जी चटनी सब बचा हुआ है। तो अभी इसीलिए हम जो है सादा खाना बना रहे हैं, बस अपने और बेटी के लिए भुंजिया रोटी और अपने बाबू के लिए बना है पत्ता गोभी की सब्जी। चलिए गाइस थोड़ा सा इसको गर्म कर दें। चलिए इसको थोड़ा सा गर्म कर दें। रोटी बनाते, इनको भूख लगा है। चले इनको खाना खिला दे, तब आप लोग से हम बात करते हैं। गाइस देखिए, गाइस ये कहती है क्या कि घर का अभी साफ सफाई सब कुछ बाकी है और दिन भर तो फोन ही पे लगी रह रही है। अच्छा ये मम्मा पिता झूठ बोल रही है, ये ब्लॉग बना था। ये बताओ अभी पिंटू तो जिया जी के नाश्ता बना के देनी, ठीक है? एक बाद हम रिक्की के दूसरा नाश्ता बना के देनी, ठीक है? कैसी अकाउ दिया था कैसी कि देखिए गाइस मम्मी बैठी है, कुछ काम धाम नहीं कर रही है, देख लो एकदम झूठ है। हाँ कोई काम नहीं करेगा, तुमको नाश्ता बनाई है ये दो दिन पर। अरे सो ही नहीं है क्या अभी तक? गया कान का आपके उतना पुराना बहुत साल पवन के शादी में थे हमारा। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा काम में है ही नहीं। हाँ लगा तो कितने मेरे बच्चे की माँ है और तब भी यंग हो। जा अभी पैसा दिया। नहीं पैसा नहीं दोगी, मैं क्या बोली गरीब से गरीब। नहीं सुनो गैया जाए चल के चेक करे लिए खुशी देखा बाबू जी समझ के देखा। हमें अकाउंट चेक करे ना, यही गाड़ी दे दम ले जाए मार्केट में घूमवाई यही से बता। अब ऐसा दिल आ गया 7,657 रुपए हमारे पास है। हम रेलवे के रिटायर्ड आदमी के लगे एक खाता रहता है। बाबू जी हम 25,000 मांगे मत दीजिए, ऐसा दे दीजिए कि मैं ले लूँगा। नहीं बेटा हम ये नहीं पाएंगे, समझ के दे दीजिए बाबू जी, समझ के दे दीजिए। 7,000 है हमारे पास, आंचल फैला के मांगूंगी जब बाबू जी के बुड्ढे खाएंगे। सामने अब दिखा दिया, अब इससे बड़ा भी भाभी कहाँ से पापा जी को आज्ञा दे दो। थोड़ी है हम पापा की बेटी की तरह है, पापा को सही है। देखते हम पहले कह दिए की बहनी बेटी सब इनका, तभी तो कहे बेटी मोबाइल
क्या कर दीजिए बाबू? दो बेटा मोबाइल या सुबह सुबह 11 हम 500 ऊपर नहीं कर पाएंगे बेटा। ऐसा हाथ जोड़ रहे मेरे अरे बाप रे बाप, आप ही के दिया हुआ हम इतना जुड़े हुए आदमी नहीं है। नहीं ये कसिका इसके लिए अंदर के लिए बेटा। अरे पापा हमारे ठीक है वो उसके हाथ में दीदी आंचल में एक मेरा आंचल लेते हैं अब उनको भी बुला देना ठीक है। और आशीर्वाद देके जाइए कि मेरा घर एकदम स्वस्थ हो जाए। भगवान करे समझ आए, पैसा तो आता जाता रहता है। भगवान करे बस अच्छा तो हम भाभी को चावल दिए हैं ना। अम्मा बैठ जाएगी यहाँ पर। साड़ी पहनिएगा बहुत अच्छी साड़ी हम अपने लिए रखे थे। साड़ी है? हाँ, नहीं साड़ी बहुत तो नहीं सूट नहीं सूट सूट नहीं, नहीं वो कंफ्यूज हो गए थे। लीजिए अम्मा माता रानी हमारे बाबू जी एक थे लाल कपड़ा में बांध के अपने रखिएगा बैग में। आप लोग घर के मंदिर में चाहे तो पैसा जहाँ रखिए वहाँ रखिएगा। भगवान करे पैसा तो अभी नहीं है, भगवान करे कि आपका सिक्का जाते ही आगे लगे। चलो भाई आप लोग आगे बढ़िए। एक सुंदर सा मेरे घर से अभी दिवाली आने वाला है, खूब लक्ष्मी गिफ्ट लेके जाइए। एक लक्ष्मी गिफ्ट लाके निकल जाइए। हाँ एक लक्ष्मी गाना गा के आप चले जाइए। हाँ माता रानी करे खूब फले फूले राजू खुशी रहे। दिन दुगुना रात चौगुना हो, भैया लोग एकदम स्वस्थ रहे, सबके कमाई में सोना बरसे। चले बाबू जी राम राम ठीक है। घर की बड़ी बेटी है, इसका इंटर का पेपर है। चलिए राम राम ये बड़ी और ये छोटी। राम राम सबको भाभी पूरे फैमिली पैसे उतार के गाय को खिला दीजिएगा। सबको ऊंच करके खिला दे पूरे परिवार से साथ खड़ा ऊंच के रोटी पिटा के गाय को दे दीजिए। जो प्रणाम करते हैं नमस्ते राम राम बाबू जी। तो गाइस यहाँ पर मतलब किन्नर लोग आई थी, ये हुई है ना इसके लिए आई थी, तो दादी का कान का ले ली अपने आप निकाल के। और भी पैसा कितना लगे दादी? 7,051 रुपए लिए हैं। और कान में का ली है, दाल दाल आटा चावल ये सब लिए हैं। हम लोग तो ये सब छुपा लिए थे, अंगूठी अंगूठी सब निकाल लिए थे, लेकिन दादी अपने कान का नहीं निकाले थे इसलिए ले लिए। अब चले गए, आप लोग वीडियो में तो देखे ही थे।